पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है जैसे तुमसे ताल्लुक कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े, I'll always be there। अगर तुम्हारे आतिफ भाई भी सामने आ जाए तब भी? कोई भी हो, मैं तुम्हारा ही साथ दूंगा। बहुत गुस्सा आया था मुझे, बहुत ज्यादा। लेकिन फिर जब मैंने ठंडे दिल और दिमाग से सोचा तो मुझे अंदाजा हुआ कि उस दिन पब्लिक में तुमने जो कुछ किया मेरी मोहब्बत में कहा। खुशफहमी है तुम्हारी, नफरत करती हूं मैं तुमसे। नफरत? तुम्हारी जुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज उस दिन इस बात की गवाही दे रहा था कि तुम मेरे रवैये से बहुत हर्ट हुई हो। लेकिन मैं क्या करता मलिका, मैंने तो तुमसे पूछा था कि जब तुम मेरे पास आ रही थी तो अपने घर वालों में से किसी को बताया तो नहीं? तुमने कहा नहीं। अगर तुम मुझे बता देती तो मैं तुम्हें किसी ऐसी जगह ले जाता जहां तुम्हारे घर वाले ना पहुंच सकते। अस्सलामुअलैकुम ज़ाहिदा, कैसे आई हो तुम? अकेली आई हूँ, मैंने सोचा कि इस वक्त आसिम घर पे नहीं होगा तो मैं मलिका से बात कर लूँ। अच्छा किया, आज जो मैं इसको बुलाऊँ? नहीं, बल्कि ऐसे करो तुम जाके ना उसको कमरे में मिल लो, अलहदगी में बात करना बेहतर होगा। ठीक कह रही, मैं वहीं बात कर लेती हूँ। अब क्या जुर्म कर दिया है मैंने? जुर्म तो मैंने किया है, तो जैसी बेटी को पैदा करके, और उससे बड़ा जुर्म मैंने ये किया है कि आसिम जैसे शरीफ आदमी के साथ तुझे रुखसत करके। आसिम ने कुछ कहा है आपसे? अरे वो शरीफ आदमी मुझे क्या कहेगा, जिस दिन उसे तेरी हकीकत का पता चला वो अपने दिल ही दिल में आंसुओं से रोएगा। मम्मी आप यही लेक्चर देने आई हैं मुझे यहाँ पे? देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारी इज्जतों को इस तरह नीलाम मत कर। रहम खाम पर, तुझे हमसे नफरत है ना? आसिम पे रहम का, अपनी खाला पे रहम का, जो तुझे इस घर की छत के नीचे रखना चाहती है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो मुझसे इस घर की छत छिन जाए। तेरी खाला सब सच जानती है और मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। किस किस को झुटलाएगी तू? अगर तेरे अंदर जरा सी भी गैरत है ना मलिका, तो अपने बढ़ते हुए कदम रोक ले। मम्मी मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आपने और खाला ने देख लिया है? तू आतिफ और नूरियान से अपना ताल्लुक खत्म कर ले, मैंने तुझे कल खुद अपनी आंखों से देखा है। क्या इतनी अजनबी हो गई हूं कि मुझसे सब बातें छुपाने लगे हो? मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, फिर किस बात का दुख और नदामत है आपको? जवाब दे मुझे, इंसान हूं मैं, अगर मेरे किसी नाकर्दा गुनाह के बोझ को आपने अपने कंधों पे लाद रखा है तो उतार दे उसे, क्योंकि आपका ये रवैया ना मुझे बार बार एहतजाज करने पर मजबूर कर रहा है। डैड सिर्फ फादर नहीं थे, डैड मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। उन्होंने हमेशा मुझे हर बात पे सपोर्ट किया, मेरी हर बात मानी, मुझसे इतनी मोहब्बत की। मॉम की डैड के बाद भी उन्होंने कभी मुझे इस बात का एहसास ही होने नहीं दिया कि मेरी माँ नहीं। क्या कोई ऐसा बाप होता है जो अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करे? नवेरा प्लीज उदास नहीं हुआ करो, आप उदास होंगे तो
उनकी रूह को तकलीफ होगी। मुझे हमेशा इस बात का रिग्रेट रहेगा कि वो मुझसे नाराज होकर इस दुनिया से चले गए। नाराज? क्यों थे वो आपसे नाराज? हाँ, वो चाहते थे कि मैं वकास से निकाह कर, इसी बात से फूफो भी उनसे नाराज थे। आपके इनकार की क्या वजह थी? थी कोई वजह? अकेल भाई की वजह से? ये तुम्हें किसने कहा? किसी ने नहीं। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। अकील बहुत अच्छा, हमेशा मुझे हर बात पे सपोर्ट करता, बस मुझे तब अच्छा नहीं लगता जब उसे मेरी वजह से बहुत सी बातें सुननी पड़ती। कोई बात नहीं, वो तो मर्द है, और इंसान जिससे मोहब्बत करता हो उसके लिए दो चार बातें सुन ले तो कोई बड़ी बात नहीं होती। तुम्हें और आंटी को क्यों लगता है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है? को नहीं लगता? नहीं, उसने मुझसे तो कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की। कैसे कहते हैं आपको नवेरा? उनके बेस्ट फ्रेंड की मंगेतर हैं, और वैसे भी आपके और हमारे लिविंग लाइफस्टाइल में जो डिफरेंस है उसकी वजह से उनके दिल की बात जबान पे आने की हिम्मत नहीं करती। और तुम हिम्मत कैसे कर लेती हो? बहुत डर डर के पूछती हूँ कि कहीं आपको मेरी बात कोई बुरी ना लग जाए। मुझे सच्चे लोगों की सच्ची बातें बुरी नहीं लगती। आपके पापा को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें ये बात किसने कही? किसी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, फील हो जाता है मुझे। हम तो अकील भाई को भी उस दिन कह दिया था कि वो अंदर ना आया करे, आज मुझे अकील भाई बाहर से ही छोड़ के जा रहे थे, तो मैंने उनको इंसिस्ट किया अंदर आने के लिए। हेलो, क्या हुआ मॉम? अपसेट साउंड कर रही हैं, सब ठीक? क्या बताऊं, अकील अपनी बहन को सुबह से छोड़ के गया है। वो तो नवेरा से बहुत क्लोज है, घंटों से बातें कर रहे हैं बैठे हुए। तो मॉम उसको किसी काम में लगा देती हैं आप, क्या जरूरत है उसको नवेरे के साथ बिठाने की? भाई बहुत तेज लोग हैं, मौके से फायदा उठाना अच्छी तरह जानते हैं। मॉम तो आप समझाएं ना नवेरा को कि दूर रहे उन लोगों से, आपने बात किया नहीं। कैसी बातें करो वकास, अभी भाई की मैयत उठे हुए चंद दिन गुजरे और मैं उससे आज शादी की बात करती हुई अच्छी लगूंगी क्या? मॉम आप बात नहीं करेंगे ना तो अकील की फैमिली फायदा उठाएगी इस बात से। काश तुमने इस मामले को इतना बिगाड़ा ना होता। मॉम बस करते, कितनी बार इल्जाम देंगी मुझे एक ही बात का। यार आज से आज ऑफिस ही नहीं आए, वो तो बहुत मजबूरी की सूरत में छुट्टी करते हैं। हाँ मैडम, शादी भी एक मजबूरी होती है और उससे भी बड़ी मजबूरी होता है अपनी बेगम की बात मानना। लेकिन वो कल बहुत डिस्टर्ब लग रहे थे, मैंने पूछा कि क्या वजह है तो उन्होंने बताई नहीं। तुम्हें पूछना ही नहीं चाहिए था। लेकिन मैंने इतना डिस्टर्ब उन्हें पहले कभी नहीं देखा। ओफो, हो सकता है उसकी अम्मी की तबीयत खराब हो। मैंने कॉल की थी पूछने के लिए, उनकी मिसेस से बात हुई मेरी। क्या तुम्हें भी वैसे चैन नहीं है, तुम्हें नहीं कॉल करनी चाहिए थी। क्या कह रही थी वो? वही जो तुम कहती हो कि मुझे आसिम की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि उसको भी अच्छा नहीं लगा तुम्हारा कॉल करना। तुम्हें भी समझ नहीं आती बात। लेकिन मैंने कॉल तो आंटी के नंबर पर की थी। फिर भी नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें पता है सबसे उसकी मैरिड लाइफ पर कितना बुरा असर पड़ेगा, और अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो? समझ रही हो मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ आसिफ भाई चाय पिला दें।
सर खा गई हूँ मेरा। कहाँ गायब हो गए? इतनी कॉल्स, इतने मैसेजेस। आई वॉज एक्चुअली वरिड अबाउट यू। कुछ परेशानियाँ थी। ये तुम्हारा बहाना ना बहुत पुराना हो गया। आई थिंक यू शुड ट्राई समथिंग न्यू। फ्रेंड के अबू की डेथ हो गई है और डिप्रेस। इस दुनिया में उसके फादर के अलावा उसका कोई नहीं। माय गॉड, आई एम सो सॉरी। उसी के पास था। सी, फिर भी एक मैसेज तो कर सकते थे। तो आज तुमने फिर से वही रैगिंग शुरू कर दिया। रैगिंग? यू मीन नागिंग? जो भी है, तुम्हें मेरी इंग्लिश की गलतियां निकालने की या इंग्लिश टीचर बनने की जरूरत नहीं है। इंसल्टिंग फील होता है मुझे। मुझे भी इंसल्टिंग फील होता है जब तुम मेरे मैसेजेस को रिप्लाई नहीं करते। क्या मुसीबत है? मैं यहाँ तुम्हारे पास आता हूँ ताकि अपनी परेशानियां भुला सकूं, कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकूं ना। तुम क्या कर रही हो? मेरी परेशानियों को इनटू 100 कर रही। इसी तरह करती रही ना तुम, तो मैं यहाँ आना ही छोड़ दूंगा। आसान है मुझे भुलाना। वही ब्लैकमेलिंग, वही इमोशनल ब्लैकमेलिंग। तुम क्यों ओवर होती हो? मत हुआ करो। अगर तुमने यही अपना एटीट्यूड रखा ना मेरे साथ, तो आई स्वेयर टू गॉड मैं जानबूझ के तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर दूंगा। इससे ज्यादा क्या इग्नोर कर सकते हो? प्लीज देखो, कुछ खाने को है। आई एम नॉट वेल। बनवाती हूँ। रजा, कोई शक है मुझ पर? नहीं, शक तो मैं तुम पर कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया है वो जमाने की आंखों में आंखें डाल कर किया। अच्छा, तो अकील की बातें सुन ली तुम? काश मैं ना सुनता। सारी जिंदगी इस गलत फहमी में तो जीता कि जिस औरत से मैं मोहब्बत करता हूँ उसकी नफरत की वजह मुझे ख्वाब नहीं बल्कि किसी को ना पाने की कसक है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर तुम ही बता दो कि कैसा है। क्या मेहंदी वाली रात तुम किसी हैद मत के साथ नहीं भागी थी और अकील तुम्हें पकड़ के नहीं लेकर आया था? जो कोई सफाई नहीं देनी। तेरी खाला सब सच जानती है और मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। किस किस को झुटलाएगी तू? अगर तेरे अंदर जरा सी भी गैरत है ना मलका, तो अपने बढ़ते हुए कदम रोक ले। मम्मी, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आपने और खाला ने देख लिया है? तू आतिफ और नूरजान से अपना ताल्लुक खत्म कर ले। मैंने तुझे कल खुद अपनी आंखों से देखा है। दौर छूटे हाथ से, क्या हुआ किस बात पे, बढ़ गया है इतना फासला। तू दूर नजर भी आवे ते सावा रुक दिया मेरिया। मैं भी यही सोच कर आई थी कि नसीब का लिखा समझ कर कबूल कर लूंगी। तो जब अपना नसीब इसको समझ ही लिया था तो जाने की सब कश्तियां जला कर आती। जहाँ एतबार ही ना हो तो लाख कश्तियां जला क्यों ना दी जाए। वापस जाने की जरूरत पड़ ही जाती है।
हमारी माँ बता रही थी कि कल वो मलका का जोड़ा लेके गई थी मेहंदी का, उसका मूड कुछ सही नहीं लग रहा था। दादू, अम्मा को तो खामखा में वहम है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मलिका मुझसे मोहब्बत करती है, अगर उसकी रसामंदी ना होती तो वो क्यों हाँ करती? उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं है जो इन दिनों में लड़कियों के चेहरे पे होती है। भीगी भीगी आहटें, दबी दबी रातें, हाले दिल कैसे हो बयां, झूठी मोटी रूठना, चिलमनों से झांकना, बन गया है चाहत का समां। ठीक है, अगर मेरे नापाक कदम आप लोगों के घर की पाकीजगी को खत्म कर रहे हैं या फिर कोई फर्क आ रहा है तो मरते दम तक इस घर में कदम नहीं रखूंगी। मेरे लिए मर गए आप लोग, मर गए। और तू हमारे लिए उसी रात मर गई थी जिस रात हम दोनों तुझे गैर मर्द के घर से वापस लाए थे। मन रोया रे, रोया रे, मन रोया रे, सब कुछ खोया। الصلاة خير من النوم. नंबर बंद है उनका अभी भी। मलिका, अगर उसने अपने आप से कुछ कर लिया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो वो अपने साथ कुछ कर बैठे। और क्या करना है तुमने? उसके निकाह में होते हुए गैर मर्दों से ताल्लुकात हैं तुम्हारे, अभी भी अपने जुर्म से वाकिफ नहीं हो क्या तुम? कितनी बार आप लोगों को समझाऊं, जैसा आप सोच रहे वैसा कुछ नहीं है। मैंने खुद सुना है तुम्हें किसी से फोन पर बात करते वक्त, और देखा भी है जब तुम उससे मिलने जा रही थी। आसिम, आसिम बेटा कहाँ चले गए थे तुम? सारी रात गुजर गई, आसिम अपनी माँ का जरा भी ख्याल नहीं आया। कहाँ चले गए थे आप? अभी खाला से कह दीजिए कि इसे यहाँ से ले जाएं। मुझे आपसे कुछ कहना है। बस कर दो मलका, मुझ में और हिम्मत नहीं है सुनने की। आपको किसने हक दिया है ये कि मेरी सच्चाई सुनने का मौका दिए बगैर मेरी सजा सुना दी जाए? सजा? सजा तो खत्म कर रहा हूं मैं तुम्हारी, आजाद कर रहा हूं मैं तुम्हें इस कैद से जिसकी ख्वाहिश तुमने हमेशा से की थी। लेकिन मुझे आपसे खुदा के लिए मलका, मेरे इन हाथों की तरफ देखो। मैंने ये तो बर्दाश्त कर लिया कि निकाह से पहले तुम्हारे ताल्लुकात थे, लेकिन ये मैं हरगिज नहीं बर्दाश्त करूंगा, और ना ही मैं इतना बेगैरत इंसान हूं कि तुम निकाह के बाद भी जाना नहीं रखो। मेरे लिए इतनी घटिया जबान इस्तेमाल मत करें। घटिया लोगों के लिए घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। खाला आ रही, तैयारी कर लो। ठीक है, अगर मेरा वजूद आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है तो मैं भी कोई मिन्नत कोई इल्तिजा नहीं करूंगी।
मलका, मलका कहाँ जा रही हो तुम? मलका रुको, आसिम, आसिम रोक लो उसे, आसिम, वो जा रही है, रोको उसे। ये आप कह रही हैं? आप मुझसे ज्यादा जानती हैं उसे, आप गवाह हैं उसकी गलतियों की। बेटा ज़ाहिदा ने उसको समझाया है, मैं भी समझाऊंगी। अम्मी बगैरत बन के मैं नहीं जी सकता, कर लेने दे इसे अपनी मनमानी। बेटा वो किस मुंह से घर जाएगी, क्या सोचेंगे सब? तो ठीक है, या तो ये रहेगी या फिर मैं, आप सोच। आसिम, मलका, मलका। बेटा मैंने तुम दोनों को एक जरूरी काम से बुलाया है आज, मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। जीजी आंटी प्लीज बाय ऑल मींस हुक्म करें। नूरियान की कोई शिकायत है क्या? शिकायत तो नहीं है, बस मलिका को भुला नहीं पा रहा है वो, और अगर ऐसा ही रहा तो फिर जिंदगी के सफर में आगे नहीं चल पाएगा। आंटी आई वुड सजेस्ट के आप नूरियान की शादी कर दें, अब आसिफ की भी शादी हो रही है, नेक्स्ट मंथ मेरी भी इंगेजमेंट है। वो हाँ करे तो मैं तो बिल्कुल देर ना लगाऊं बेटा शादी करने में, इसीलिए तुम दोनों को बुलाया था, उसके दुख सुख के साथी हो, पुराने दोस्त हो, हो सकता है हम तीनों मिलके इस मसले का कोई हल निकाल लें। जी जी बिल्कुल जी आंटी, वो बता रहा था कि आप अपने भाई की बेटी से उसकी शादी करना चाह रही हैं। हाँ, और अगर ये मलका वाला मसला ना होता तो उसे कोई एतराज़ भी नहीं होना था, बहुत अच्छी बच्ची है वो। आंटी आप बिल्कुल परेशान ना हो, मलिका अब नूरियान की ज़िंदगी में कहीं भी नहीं है। हम दोनों बात करेंगे उससे तो इंशाल्लाह वो ज़रूर मान जाएगा शादी के लिए, आप बेफिक्र रहिए आंटी। सॉरी मैं तुम्हें दोबारा कॉल करती हूँ, कल तुमने बात ही मुकम्मल नहीं करने दी। मलिका मैं तुमसे ये पूछा था कि तुम्हारा आतिफ के साथ क्या झगड़ा है? वो मेरी जिंदगी में जहर घोल रहे हैं नूरियान। तो तुम कहाँ पर हो अभी? घर से बाहर खुले आसमान के नीचे बिल्कुल बेआसरा और यारो मददगार। मलिका ऐसे क्यों कह रही हो तुम? मुझे आसिम ने घर से बाहर निकाल दिया नूरियान। आसिम तुम्हारा शोहर? हाँ। अच्छा मुझे बताओ कि तुम कहाँ पर हो सर, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, बताओ। शॉक कि तुमने एक ऐसे बंदे से शादी की जो तुम पे जरा भरोसा नहीं करता। मैंने तो बहुत दिल से उसका साथ दिया था, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे सजा दी, बद्दुआ लग गई तुम्हारी। मैंने तुम्हें कभी भी बद्दुआ नहीं दी, और जिसे मोहब्बत की जाए ना उसको बद्दुआ नहीं लगती। ये कोई नया फलसफा है तुम्हारा, बद्दुआ जैसी भी हो लग जाती है। और तुम्हें पता है अम्मी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया था, तुमने कितना मना किया था कि मैं चली जाऊंगी, लेकिन तुम नहीं मानी। देखो अब तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी कितने अजाब में है। I'm sorry कि मेरी वजह से तुम्हें इतना मसला हुआ है। मुझे दुख है इस बात का। मैं जानता हूँ तो अपने शोहर को मिस कर रही होगी। आसिम को खोने का मुझे जरा भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि मेरे अपने, मेरी अम्मी, मेरा भाई मेरे किरदार को गलत समझ रहे, इस वक्त में उन्होंने अपने घर के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए यार। वैसे उन्हें ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। महज तुम्हें मेरे साथ देखकर तुम्हारे किरदार के ऊपर राय कैसे कायम कर सकते हैं वो? जब बदकिस्मती पीछे पड़ जाती है ना, तो अपनों की आंखों पे भी गलत फहमी की पट्टी बन जाती है, जिसे कोई भी नहीं खोल सकता। देखो मलिका, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे घर वालों से माफी मांग सकता हूँ। पागल हो गए हो तुम,
तुम उनको यकीन दिलाना चाहते हो कि मैं आसिम के साथ निकाह में होते हुए भी तुमसे रابطे में थी। तो कहां जाओगी तुम? तुम मुझसे वाकई में मोहब्बत करती थी? करता था मलिका, मोहब्बत कभी भी माजी नहीं होती। मैं तुमसे अब भी उतना ही प्यार करता हूँ, बस तुम्हारी वो सब ख्वाहिशात नहीं पूरी कर सकता। सब ख्वाहिशात तो दम तोड़ गई, तो बस कोई इज्जत से हाथ थाम ले, रहने को घर की छत मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तुम सच कह रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से मुझे रास्ते में छोड़ के चली जाता हूँ। अगर इस बार तुम्हें छोड़ दिया तो खुद तन्हा रह जाऊंगी। तो फिर चलो मेरे साथ घर। आसिम से डाइवोर्स के लिए हम कोर्ट चले जाएंगे बाद में। आसिम से डाइवोर्स का तो मसला नहीं है, वो मैं एक दफा कहूंगी वो मुझे डाइवोर्स कर देगा, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं आतिफ नवाज से नफरत करती हूँ, और ये बात तुम्हारी अम्मी को समझ नहीं आएगी। मैं तुमसे यही तो पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा आतिफ भाई के साथ रिश्ता क्या है? देखो, अगर तुम्हें भी मुझसे ये सब सवाल करने हैं ना, तो ठीक है, मुझे नहीं जाना तुम्हारे घर, मैं चली जाती हूँ कहीं और। अच्छा मलिका, चलते। मलिका नवेरा बेटा, बस चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। किस लिए पुप्पो? वो वकास तुम्हें लंच पे ले जाने के लिए आ रहा है। पुप्पो मेरा दिल नहीं कर रहा। बेटा बाहर निकलोगी तो दिल भी बहल जाएगा, माहौल चेंज होगा, अच्छा फील करोगी। मैं जहां भी जाऊंगी डैड का दुख तो मेरे साथ ही रहेगा। हाँ ट्रू, लेकिन ये दुख तो अब हमारे साथ जिंदगी भर है। तुम कब तक इस दुख को अपने गले से लगा कर कमरे में कैद रखोगी? बेटा वो सिर्फ तुम्हारे बाप नहीं थे, मेरे भी सब कुछ थे। तुम बेटी हो, मैं बहन, मुझे भी भाईजान ने बहुत प्यार दिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदगी की तरफ लौट आओ। अगर ऐसा नहीं करोगी तो भाईजान की रूह को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा पुप्पो। बेटा देखो, वकास तुम्हारी तरफ से बहुत फिक्रमंद है, लेकिन शायद तुम दोनों ही कोई नाराजगी चल रही है, तुमसे बात करने की उसको हिम्मत नहीं होती। तुम लोग बाहर जाओगे तो नाराजगी भी दूर हो जाएगी। चलो बेटा शाबाश, बी अ गुड गर्ल मेरी खातिर। हाँ आ जाओ। ओके। अच्छा गुड गर्ल। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? अंदर तो चलो, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, चलो। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मैंने उसको तैयार होने के लिए भेजा, प्लीज अब कोई ऐसी वैसी बात मत करना। मॉम अब मुझे दुश्मन समझती हैं उसका। नहीं समझा रही हूँ तुम्हें, दोस्त नहीं हमदर्द बन के बात करना। बहुत सदमे में, तुम्हारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए उसे। ठीक है नहीं करूँगा। वो है किधर? तैयार होने अभी आती हूँ। जल्दी आ गए। कितनी बार क्या गेट बंद रखा करे, कोई चोर चक्का घुसाया तो? मेरी सबसे कीमती चीज तो तुम हो, और क्या ले जाएगा कोई यहाँ से। बताया नहीं जल्दी कैसे आ गए? अम्मी मुझे एक मदद चाहिए थी आपकी। मदद कैसी? मैं किसी को अपने साथ लेके आया हूँ, आपने बस उसके सर पे हाथ फेरना है। कौन है? आप चले तो सही, बताओ तू। मैं कह रहा हूँ आप चलें, चलें। अच्छा बता देती। चलें तो सही, मैं कह रहा हूँ ना चलें।
मलिका क्यों लाए हो इसे यहां? अम्मी अम्मी ये बहुत मजबूर है, बहुत मुश्किल में है ये। सही कहा था तुमने, घर के दरवाजे खुले नहीं छोड़ने चाहिए, कोई भी चोर उचक्का अंदर घुस आता है। नूरियान मैंने तुमसे कहा था कि मुझे घर मत लेके जाना। हमें यह बहुत मुश्किल में है, इसके शौहर ने इसको घर से निकाल दिया। हाँ, ऐसी आवारा लड़कियों के नसीब में ठोकरें ही लिखी होती है। प्लीज बस कर दें आप, ये सब सुनाने के लिए लेकर आए हो मुझे घर? हमें हमें इतनी सख्त ना बने, इसको हमारी जरूरत है। अगर इसे तुम्हारी जरूरत है तो तुम जाओ, चले जाओ इसके साथ, लेकिन ये याद रखना कि इसके बाद फिर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं रहेगी सारी जिंदगी। चलो मालिका। ठहरो, अगर तुम्हें जिंदगी इसी आवारा के साथ गुजारनी है तो मैं चली जाती हूं यहां से, तुम यही रहो। कम से कम दुनिया के तानों से बचने के लिए यह छत तो मिलेगी तुम्हें, वरना इसे लेकर तो जहां कहीं भी जाओगे कीचड़ ही उछलेगा तुम पर। हमें क्यों इतनी नफरत करती है आप इससे? नूरियान चलो यहाँ से प्लीज। मैंने आज तक अपने बेटे को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन आज बताऊंगी। तुम जानना चाहते थे ना क्यों मना किया था मैंने इसका रिश्ता लेने से? क्योंकि ये भी आतिफ की मंजूर नजर लड़कियों में से एक थी। उस दिन जब मैं हैदराबाद नहीं गई थी तो इसे देखा था मैंने, इसे देखा था मैंने, इसे। उसके हाथ में हाथ डाले हुए ये थी आतिफ के साथ। ये क्या कह रही हैं आप? झूठ बोल रही है ये। अच्छा, तो ये भी झूठ है कि अपने अपने घर से मेहंदी की रात भाग के तुम आतिफ के पास आ गई थी? बोलो। मैंने किया था तुम्हारी माँ को फोन, कि आए और सुबह होने से पहले तुम्हें घर ले जाएं, ले जाएं तुम्हें अपनी बची कुची इज्जत को बचा के। सुन बताओ, क्या आतिफ ने रोका था तुम्हें? कहा था तुम्हारी मां से कि शादी करना चाहता है तुमसे, वो चली जाए यहां से, क्या कहा था उसने? आतिफ ने तो नहीं रोका था ना तुम्हें, क्यों रोकता? उसके लिए तो तुम्हारे जैसी बहुत थी, रोज देखती थी मैं उन्हें उस घर में आते और जाते हुए। सच कह रही है? बिल्कुल नहीं, वो मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था। वो जो वीडियो मैंने देखी थी उसमें तुम आते घर से पत्ता ले रही थी कि उन्होंने तुमसे शादी नहीं की, उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया।
तूने मुझसे झूठ बोला, मुझसे छुप छुप के उनसे मिलती थी, मेरे कहने पे भी तुमने फेसबुक से अपनी पिक्चर डिलीट नहीं की, मुझसे झूठ बोलती रही तुम, उसे कहती रही मैं यूनिवर्सिटी में नहीं आ सकती क्योंकि मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे सिर्फ धोखा दी, मैं तुमसे कहता रहा मलिका यही हो जाओ तुम सब खुशियां दो। रियान, रियान, तुमने तो कहा था कि जिंदगी भर मोहब्बत करोगे मुझसे।